नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज का जो वीडियो है लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर, मतलब कि जो लैग्रेंजियन इक्वेशन है उसे कहते हैं एल इक्वल्स टू, मतलब जो लैग्रेंजियन इक्वेशन है उसमें काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी बताई विद्यार्थी मित्रों। तो काइनेटिक एनर्जी नथिंग बट 1/2 mv² और पोटेंशियल एनर्जी होता है 1/2 kx², बट जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो 1/2 kx² होता है। वो कैसे फाइंड आउट करना पड़ता है कि यूजिंग रिस्ट्रेइंग फोर्स फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर और वोक्स लॉ, फोर्स इक्वल्स टू माइनस kx, और जो काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² है उसे 1/2 mx² कंसिडर करके सॉल्व करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कि जो हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसका यूज करके आप हाँ कैसे सॉल्व करते हैं कि एल इक्वल टू टी माइनस वी। तो टी की वैल्यू दी है विद्यार्थी मित्रों, टी की वैल्यू 1/2 mv², मतलब 1/2 mx² वेलोसिटी को एक्स डॉट भी कंसिडर करते हैं, वेलोसिटी नथिंग बट dx/dt वो यूज करते हैं, पोटेंशियल दिया है 1/2 kx² उसका यूज करते हैं एल इक्वल टू टी माइनस वी, मतलब 1/2 mx² माइनस 1/2 kx², और उसके बाद आप कर सकते हैं d/dt/dx माइनस dy/dx, और उसके बाद पूरा mx² मतलब mx" मतलब ये जो टर्म है दैट इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ फोर्स इक्वल टू मास इंड एक्सेलरेशन, x" जो है वो एक्सेलरेशन की टर्म है वो यूज कर सकते हैं, mx" + kx = 0, देन x" = k / m + m x = 0, then ω² = k / m, ω = √m, ओमेगा मतलब 2πf होता है, और 2πT भी कंसिडर करते हैं, 2πf = √k / m, then f = 1/2π √k / m। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर पूरा निकाल दिया विद्यार्थी मित्रों। तो मैं आप वो सब का सब डिटेल में आपको स्टडी करना कर, मतलब वो डिस्क्रिप्शन में टाइप कर दूंगा, और मेरे टेलीग्राम चैनल भी विद्यार्थी मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए विद्यार्थी मित्रों। धन्यवाद।